इस्लाम रिलीजन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिरकार भारत में इस्लाम धर्म ने कैसे विस्तार किया, इस प्रश्न का उत्तर अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान एक ईश्वर पर आस्था रखते हैं, जिन्हें वो अल्लाह कहकर पुकारते हैं। इस्लाम धर्म दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायियों की संख्या 1.8 बिलियन है। आपको बता दें कि इस्लाम मुख्य तौर पर उत्तरी अफ्रीका, सहेल, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया जैसे देशों में काफी फैला है। आज के दौर में मुसलमान देश के अधिकांश हिस्से में है, जिसका स्पष्ट कारण आप्रवासन है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मक्का एक तीर्थ स्थल है। दुनिया भर के मुसलमान ये हज के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इस्लाम धर्म का पूर्वज कौन था, भारत में ये धर्म कैसे फैला, आइए जानते हैं। मैं सुनील पाल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस्लाम धर्म, इस्लाम रिलीजन। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। जीवन का अधिकांश समय एक व्यापारी के रूप में बीता। 40 साल की उम्र में उन्हें अल्लाह से कुरान का ज्ञान मिला, जो इस्लाम धर्म की नींव की बड़ी वजह बनी। 630 पूर्व तक मोहम्मद पैगंबर ने अरब के ज्यादातर हिस्सों पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर एकीकृत कर दिया था। मोहम्मद पैगंबर धार्मिक स्वभाव के थे, तीर्थ स्थलों पर जाकर भक्ति करते थे। अपने जीवन काल में मोहम्मद साहब को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। जन्म लेने से पहले ही पिता की मृत्यु होने के कारण उनका पालन पोषण दादा और चाचा ने मिलकर किया। माना जाता है कि मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, जो आज दुनिया भर में है। भारत में इस्लाम कैसे पनपा, आइए जानते हैं विस्तार से। इस्लाम धर्म के अरब में उभारने के कुछ वक्त बाद ही गुजरात के अरब तटीय व्यापार मार्ग के रास्ते भारतीय समुदाय में इस्लाम धर्म ने अपनी जगह बना ली। भारतीय महाद्वीपों के अंतर्देशीय इलाकों में 7वीं शताब्दी तक इस्लाम पहुँच बन चुका था, जिसके बाद अरबों ने सिंध को जीता और बाद में 12वीं शताब्दी में महमूद गजनवी पंजाब के रास्ते उत्तर भारत में आया। इसके बाद लगातार कई मुस्लिम शासकों और व्यापारियों ने भारत का दौरा किया, जिसके बाद इस्लाम की संस्कृति ने धीरे धीरे भारत में अपनी जगह बना ली। वैसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को भी दिया जाता है। भारत में ज्यादातर मुसलमान दक्षिण एशियाई जातीय समूहों से ताल्लुक रखते हैं। भारत में मुसलमान मुख्य रूप से मध्य पूर्व और मध्य एशिया से आए थे। मुसलमानों में सबसे उच्च जाति अशरफ की तो वही निम्न जाति अजलाफ की है। कहा जाता है कि भारत में पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद को 629 में बनवाया था।